स्टूपिड फक्स, मुझे मालूम था कि मना करने के बाद भी कोई ना कोई कमेंट में जाकर स्पॉइलर देगा ही, बट तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके चलते मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई ये स्पॉइलर है, एंड मैंने वो कमेंट रिमूव कर दिया ताकि कोई और ना पढ़ सके ऑफ कोर्स। और भाई स्पॉइलर ना मिलने की वजह से ना इस चैप्टर में बिल्कुल बवंडर वाला फील आया है, लिटरली मैं चिल्ला रहा था ये चैप्टर पढ़ते हुए। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लोग चैप्टर व्यू देख रहे हैं और उसके बाद वो लोग कमेंट में जाकर बोलने लगते हैं कि भाई तूने स्पॉइल कर दिया। तो स्पॉइलर वार्निंग पहले दे दिया हूं, अब चलो रिव्यू करते हैं। इस बार ना कमाल का चीज हुआ है, ओडा ने इतना ज्यादा अटेंशन पहले कभी नहीं दिया था एक आने वाली मूवी को। तो यार वन पीस फिल्म रेड से रिलेटेड एक चैप्टर, एक छोटा सा पैनल आता है जहाँ पे उता सोई हुई होती है और बैकग्राउंड में उसे एक सपना आ रहा होता है जहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि पायरेट्स ने उनके टाउन पर अटैक कर दिया है और वो उता से हेल्प मांग रहे होते हैं, और तभी उता का ड्रीम टूट जाता है और वो जाग जाती है, और जागते ही वो अपना पेन खोजती है और एक नया गाना लिखती है, एंड इसी तरह उसका नया गाना सामने आता है जो कि हम लोग मूवी में सुनने वाले हैं। तो यार ओडा जो इस मूवी में हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा नहीं लगाते कि वो करने वाले हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि ये मूवी सही में बहुत तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें ओडा अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। और इसका जो मेन डायरेक्टर है वो एक्चुअली वही है जो कि फिल्म गोल्ड में काम किया था, और फिल्म गोल्ड बिल्कुल तबाही वाला मूवी था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी बहुत एपिक होने वाला है। बट अगेन इस मूवी के मुझे फिर से स्पॉयलर्स मिल चुके हैं जिसकी वजह से भाई आधा मूवी मेरे लिए ऐसी खत्म हो चुका है, मुझे आधा मूवी का स्टोरी ऐसी मालूम पड़ गया यार क्यों। खैर अब मैं कुछ ज्यादा होप्स भी नहीं रखता, तो अब आगे मांगा में बढ़ते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें वानो दिखता है जहाँ पे सब लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, और एक पैनल में नामी और ओटामा कॉटन कैंडी खा रहे होते हैं, और यार ऊपर ज्यूस को देखो, वो भाई कैसे लालचियों की तरह देख रहा होता है उनको। और फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है मोमोनोस्के जो कि यामाटो को मना कर रहा होता है कि तुम जो भी हो जाए इस फाइट में मत पड़ना। और फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है कि यार ग्रीन बुल मोमोनोस्के का गंदा वाला धुलाई कर रहा होता है, मतलब लिटरली वो धोबी घाट की तरह उसको पटक रहा होता है। एंड फिर यहाँ पे आता है राइजो, वो भड़क जाता है और वो यूज करता है अपना स्क्रोल वाला जूत्सु, एंड फिर उससे वो निकालता है फायर जिससे वो ग्रीन बुल के ऊपर अटैक करता है, और ग्रीन बुल को वो अटैक लगता है बट ऑफकोर्स वो मजाक कर रहा था और उसको कुछ भी नहीं होता। और ये चीज यहाँ पे वो मेंशन करता है कि ऐसा ऑब्वियस सा वीकनेस के ऊपर ऑब्वियसली वो काम करेगा क्योंकि वो एक नेवी एडमिरल है। तो ये चीज मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि ये चीज बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ पे एडमिरल रियुगोकू को कोई भी हरा सकता है, मतलब उसे हराना उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस तुमको उसके ऊपर फायर फेंकना है और वो हार जाएगा क्योंकि वो एक फॉरेस्ट है। और इसीलिए मैंने कहा था कि साबो बहुत आसानी से जीत गया होगा क्योंकि उस पे मेरा नोमी है, बट अगेन यहाँ पे ओडा ने हम सबको गलत साबित कर दिया क्योंकि वो एक एडमिरल है, इसका मतलब उसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो अपने वीकनेस पे ऑब्वियसली काम करेगा। और ये चीज मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद आया। आगे हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन बुल अपने एक रूट से राइजो के ऊपर अटैक करता है और राइजो के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से उसको राइजो की एनर्जी मिल जाती है, और उसके बाद सारे के सारे समुराइज एक एक करके अटैक करते हैं और वो सब भी कैप्चर हो जाते हैं। और अब सीन चेंज होकर सुकियाकी और रॉबिन के पास जाता है, एंड या अब यहाँ पे लॉ भी इनको ज्वाइन कर चुका है, वो ये कहता है कि हाँ तुम दोनों मुझे कहीं दिख नहीं रहते तो मैं चेक करने आ गया। ओडा सेंसेई, मैं समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो, है ना। ये चीज एक्चुअली उन फैंस के लिए है जो कि लॉ और रॉबिन को सिप करते हैं, और अब बहुत से इलस्ट्रेशंस आने वाले हैं। खैर आगे हमें सुकिया की ये बताता है कि इस जगह को वो काइडो से छिपा के रखा था, लेकिन फिर उनको ये जगह के बारे में बहुत जल्दी ही मालूम पड़ जाता है क्योंकि उनके क्रू में एक फिशमैन भी है, और रॉबिन उससे पूछती है कि कैसे एक फिशमैन हेल्प कर सकता है इस चीज को खोजने में, और सुकिया की कहता है कि इसके बारे में तुम्हें जल्दी मालूम पड़ जाएगा। और जब वो सीढ़ियों से और नीचे जा रहे होते हैं तभी रॉबिन को एक डिम सा लाइट आता हुआ दिखता है एक विंडो से, और जब रॉबिन उसको चेक करने जा रही होती है तभी वहां पे लॉट अपक के आ जाता है, एंड जब वो लोग बाहर देखते हैं तब भाई वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे होता है वानो 800 साल पुराना वाला, यानी कि वानो एक्चुअली वानो के ऊपर है। ये चीज देखकर मेरा दिमाग हिल गया, डैम योडा सेंसे आप ये कैसे कर लेते हो। सबसे पहले तो ये वाला पैनल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब यार हर जगह मछलियां
वगैरह तैर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा फिशमैन आइलैंड है। आगे हमें वानो की बेसिक ज्योग्राफी और हिस्ट्री बताई जाती है, जहाँ पे हमें यह मालूम पड़ता है कि वानो एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा कंट्री हुआ करता था और इसकी डिफेंस की वजह से यहाँ पे वॉल बनाई गई। बट ये चीज काफी स्टूपिड भी है और इंटरेस्टिंग भी कि वो लोग होल बनाना भूल गए थे, जिसके कारण से वहाँ पे रेन वाटर इकट्ठा होते गया 800 ईयर्स तक, और फिर इसी वजह से वो बिल्कुल ओवरफ्लो होने लगा और वाटरफॉल्स बने और जो कंट्री है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड एक्चुअली ये चीज सेंस बना रही है कि क्यों जैक वहाँ पे जा सकता था, क्योंकि एज वी नो जैक एक डेविल फ्रूट यूजर है और वो एक फिशमैन भी है, पर वो सी वाटर तो है नहीं कि वो एक्चुअली वहाँ पे डूब के मर जाएगा, क्योंकि डेविल फ्रूट यूजर सी वाटर से इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल वाटर से नहीं, और इसी कारण से वो लोग ये डिस्कवर कर पाए रोड पॉनिक्लिफ को। एंड अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि काइडो और बिग मॉम के साथ हुआ क्या होगा। हमने लास्ट टाइम काइडो और बिग मॉम को वोल्केनो के अंदर घुसते हुए यानी लावा के पास गिरते हुए देखा था, राइट? और ये चीज कहाँ है? ऑब्वियसली वानो के नीचे, यानी कि एंशिएंट वानो में, और वहाँ पे वोल्केनो है। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि जो जैक है वो वहाँ पे जाके उनको रेस्क्यू किया होगा, क्योंकि एज वी नो जब रियोगोकू अटैक करता है हमारे काइडो के क्रूमेट्स को, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैक वहाँ पे नहीं था, तो हो सकता है कि वो रेस्क्यू करने गया हो अपने कैप्टन को। खैर, आगे अब उनके सामने फाइनली वो थर्ड पॉनिक्लिफ मिल जाता है, एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लॉ भी है और वो भी ये सब देख रहा होता है। एंड रॉबिन ये कहती भी है कि अब हमें बस और एक पॉनिक्लिफ चाहिए और हम लोग लाफ्टेल जा पाएंगे। एंड फिर यहाँ पे बातचीत होता है प्लूटोन के बारे में, जहाँ पे सुकी आके ये मेंशन करता है कि हाँ, इस जगह के और अगर तुम डीप जाओगे तो वहाँ पे एंशिएंट वेपन प्लूटोन मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे कभी देखा नहीं है, बट उसे इतना जरूर मालूम है कि उसको अनलीज करने के लिए वहां के वॉल्स को हटाने होंगे, वानो कंट्री के वॉल को हटाने होंगे, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग अपना सबसे बड़ा डिफेंस खो बैठेंगे और साथ ही साथ प्लूटोन भी वहां से निकल जाएगा। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रॉबिन जिम्बे से कहती है कि एक बार जाकर चेक करके आओ वानो के नीचे कि क्या वहां पे प्लूटोन है, क्योंकि हो सकता है कि रॉबिन को उसको देखना हो, और यहां पे हो सकता है कि रॉबिन लूफी से परमिशन भी ले कि वो भी जाना चाहे। ये वाला चीज एक्चुअली बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड मैं भी इसके बारे में एग्री करता हूं। अब आगे सीन चेंज होकर जाता है मोमोनोस के और ग्रीन बुल के फाइट में। हमें दिखता है कि ग्रीन बुल एक्चुअली सबको कैप्चर कर लिया होता है और यहां पे इस बार यामाटो भी कैप्चर है, बट एक्चुअली वो फाइट करने का ट्राई नहीं कर रही है क्योंकि मोमोनोस्के ने उसे मना कर रखा है। यामाटो कहती है कि चलो लूफी और बाकी के लोगों को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है, लेकिन तभी मोमोनोस्के मना कर देता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, यही चीज तो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि जब से वो उनसे मिला है वो हर चीज के लिए वो उन पे रिलाई रहा है, चाहे वो लूफी हो या जोरो हो। हम उन लोगों पे डिपेंड कैसे हो सकते हैं जो कि बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं? हम आखिर उनके आंखों में आंख मिलाकर ये कैसे कहेंगे कि हाँ, वानो अब हमारे साथ सेफ है? ओह माय गॉड, भाई लड़का बड़ा हो चुका है, पंग मत लेना उससे। ग्रीन बुल एक्चुअली यहाँ पे उसको टॉन्ट मारता है और वो यहाँ पे मोमोनोस्के कहता है कि मेरे कंट्री को छोड़ दो, और वो यूज करता है अपना पहला बोलो ब्रेथ अटैक, और ये अटैक को देखकर भाई ग्रीन बुल का इस बार सच में फट जाता है। मतलब तुम उसके चेहरे में इस बार खौफ दे सकते हो, और ग्रीन बुल का कसम से बैंड बज जाता है। वो वापस से खड़ा होने का ट्राई करता है, लेकिन तभी मोमोनोस्के एक और बोलो ब्रेथ अटैक मारता है उसके ऊपर, और ग्रीन बुल पूरा जल जाता है। वहां का सारा फॉरेस्ट भी जलने लगता है। आसपास के लोग कहते हैं कि क्या बात है मोमोनोस्के, बहुत बढ़िया। हालांकि कामामात्सु ये कहता है कि उसका एम थोड़ा खराब है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन करा था कि ग्रीन बुल एक्चुअली एक लोगिया यूजर है, तो उसके कैसा भी अटैक करे उसको इफेक्ट नहीं होगा अनलेस वो हाकी यूज करे, बट ऑब्वियसली मोमोनोस्के को हाकी नहीं आता है। ग्रीन बुल वापस से रीजनरेट होने लगता है, और इस बार वो अपने रूट्स में हाकी कोट कर लिया होता है, यानी कि अब वो सीरियस हो चुका है। और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पे वो मूवमेंट आता है जिसको देखकर भाई मेरे चीखे निकल रही थी, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा। ग्रीन बुल जब अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से बहुत ज्यादा अमाउंट
अकाउंट में कॉन्करर हाकी आता है और ग्रीन बुल का जो मॉन्स्टर वाला फॉर्म होता है जो कि उसके लोगिया फॉर्म में था वो उससे वापस अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भाई उसका गंदा वाला फट जाता है। मतलब वो ये सोच रहा होता है कि कौन है भाई ये कॉन्करर हाकी, कहाँ से आ रहा है, एक मिनट रेड हेयर पायरेट्स क्या तुम सही में यहाँ पे हो। और फिर नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखता है कि सैंक्स एक्चुअली अपने कॉन्करर हाकी से ग्रीन बुल से कम्युनिकेट कर पा रहा होता है। और भाई ये क्या एबिलिटी है, मतलब हाँ अब ये चीज साबित हो चुका है कि भाई सैंक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी यूजर, ये चीज पे कोई डाउट मत रखना क्योंकि वो है भाई। सैंक्स लिटरली वानो के लगभग बाहर ही है, वो उसके बॉर्डर में है और भाई वहीं से वो ग्रीन बुल की वाट लगा रहा है। और यार यहाँ पे ग्रीन बुल के एक्चुअली पसीने छूट जाते हैं। तुम मतलब देखो यार एक एडमिरल लिटरली इतना ज्यादा डर चुका है और यहाँ पे जब सैंक्स कहता है नहीं क्या तुम सही में इन थके हुए पायरेट से लड़ना चाहते हो जो कि अभी अभी एक पायरेट हिस्ट्री बनाए हैं, क्या तुम्हें न्यू एज सही में इतना ज्यादा डराता है। एंड भाई तुम यहाँ पे सैंक्स का एक्सप्रेशन देखो, भाई वो सही में बहुत ज्यादा गुस्से में है। और भाई एक्चुअली ग्रीन बुल यहाँ पे समझ जाता है कि अगर अब वो एक भी कदम मोमोनोसुके की तरफ भी रखा तो भाई उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो इतना ज्यादा डर चुका है कि वो तुरंत कहता है कि भाई मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ आया भी नहीं था, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, मैं मुझे नहीं लड़ना भाई तुम लोगों से। एंड भाई सैंक्स ने लिटरली अभी अभी अपने नए फिल्म रेड को प्रमोट कर डाला है। आगे हमें देखने को मिलता है कि मोमोनोसुके भाई खुशी के मारे रो रहा है कि भाई फाइनली ये सब खत्म हो चुका है। अरे भाई। और फिर सीन चेंज होकर वापस जाता है पार्टी की तरफ जहाँ पे एक्चुअली सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं चला है कि बाहर क्या चल रहा है सिवाय लूफी जोरो सांजी और जिम्बे के। उनको पता चल गया था कि बाहर ग्रीन बुल आया हुआ है जिससे मोमोनोसुके फाइट कर रहा था और यहाँ पे लूफी कहता भी है कि हाँ लगता है वो चला गया है। जोरो और जिम्बे ये मेंशन करते हैं कि हाँ भाई वो हाकी जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था पर आखिर वो था कौन। और फिर लूफी कहता है अभी मेरे दिमाग में एक जाना पहचाना सा चेहरा आया। यहाँ पे हम लोग ये इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि वो बात कर रहा है सैंक्स के बारे में। एंड फिर लास्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि रेड हेयर पायरेट्स फाइनली वानो छोड़कर जा रहे हैं एंड मांगा यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है भाई लेकिन यार यहाँ पे सैंक्स वानो क्यों आया था, ये चीज सेंस नहीं बना रही। नहीं क्या वो क्यों आया था सही में, वो वहां आया खड़ा हुआ इधर उधर देखा फिर ग्रीन बुल को एक्चुअली तंग किया उसको भगा दिया और वो चला गया वहां से, क्या सही में वो बस ग्रीन बुल के लिए आया था, मुझे नहीं लगता। और मुझे पर्सनली कुछ पता नहीं है यहाँ पे यार क्योंकि कोई सेंस नहीं बना रहा भाई वो क्यों आया था। मैं दिमाग नहीं मार रहा, वैसे भी मेरी थ्योरी गलत हो गई कि वो रोड पॉनिक लिख गया है, बट वेट तुम लोगों की भी गलत हुई है, तुम लोगों ने कमेंट में लिखा था कि वो प्लूटोन के लिए आया और वो चीज भी नहीं हुआ। बट अब आगे क्या, वेल अब तो वो सैंक्स जाएगा भारतीय लोगों की भयंकर धुलाई लगाने एंड तुम लोग अब क्या करोगे, मेरी बाकी वीडियो जाके देखो। एंड हाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करो यार और हाँ कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।